देखो बेटा, इस सवाल बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा साइंटिफिक लग रहा है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वाटर इन ओशन विद द अर्थ सरफेस, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली डिस्क्रीजिंग। ठीक है, जब लगेगा कोई चीज टच करेगी, जाहिर सी बात उसमें फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई डिक्रीमेंट होगा। आप अर्थ को एज ए स्फीयर मान लीजिए, अर्थ रोटेट कर रही है तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और अबाउट इट डायमीटर हो जाएगी। कहीं से पास कीजिएगा, 3D है, स्फीयर है, तो एक्सिस क्या हो जाएगी? अक्रॉस डायमीटर हो जाएगी, पासिंग थ्रू सेंटर हो जाएगा। इफ द अर्थ एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग 0.0016 रेडियन पर डे इन 100 ईयर्स, फाइंड द एवरेज टॉर्क। अरे आपने कहा भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मसला स्फीयर का है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गई, पासिंग थ्रू सेंटर, डायमीटर है, सॉलिड स्फीयर है, तो आपने कहा सर 2/5 mr² ले लेंगे। अल्फा को आप कह देंगे सर ओमेगा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस वैल्यू को बड़े ध्यान से रखिएगा, सारा खेल उसी का है। मास ऑफ द अर्थ आपको मालूम है 6 × 10^24, रेडियस भी मालूम है 6400 किलोमीटर है, यानी कि मीटर बना लिया आपने, स्क्वायर है तो आपने इसको भी कर लिया। सारा मसला किसमें है? ओमेगा है, उसको आपको बदलना भी पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? डे को सेकंड में। तो ओमेगा आपको कितना दिया है? ओमेगा दिया है आपको 0.0120 है, 16। डे है तो एक डे है, इसको भी सेकंड बना लीजिए। एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, इंटू 24 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। साथ में ये वाला जो टी है वो कितना है बेटा? 100 ईयर्स का। 100 ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट और 60 सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया था और मेरा उत्तर आ रहा था, कितना आ रहा था? 5.77 दो था, उसको 5.8 कर लिया, इनटू 10^20 न्यूटन मीटर। बहुत सारी पावर है भाई, 24 तो ये हो जाएंगी, फिर 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। हालांकि इधर से आप काफ़ी डिवाइड कर रहे हैं, कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा जो टॉर्क मिलेगा 5.8 × 10^20 न्यूटन मीटर का ही मिलेगा। मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया है।